ये सूत्र उपदेश का नाम है किमाथ्य। ये सूत्र उपदेश का नाम है किमाथ्य सूत्र। किस प्रकार से कल्याण होता है, किस तरह से कल्याण होता है, किमाथ्य सूत्र। उस समय तथागत भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में जेतवन आश्रम विराजमान थे। आनंद भंते जी तथागत भगवान बुद्ध के पास आया, आकर के बहुत सुंदर एक प्रश्न पूछा। तथागत भगवान बुद्ध जी कुशल शील से मिलने का फायदा क्या है, कुशल शील फायदा क्या है, आनसंस क्या है, आनसंस मतलब उसका कल्याण, कल्याण क्या है, फायदा क्या है, किस चीज का, कुशल शील का। कुशल शील मतलब क्या है, कुशल शील मतलब तथागत भगवान बुद्ध की उत्तम निर्वाण की रास्ता पे जाने के लिए प्रयास करता है सील, उसी सील को कहता है कुशल सील। समझ में आ गया, जैसे मैं नॉर्मली कहेंगे तो आप जो सुरक्षा करते हो वही सील, उसको कुशल सील कहता है। तो आनंद बंते जी ने क्या पूछा, कुशल सील का फायदा क्या है, कुशल शील से क्या आनसंस है, कल्याण क्या है। आनंद कुशल शील का फायदा है, आनसंस है, पाचताव खत्म हो जाता है, अफसोस, अफसोस पछताव है ना, पछताता है, वो स्वभाव हटा देता है कुशल शील से, यानी शील रक्षा करने से क्या होता है, पछताव यानी कि उसको अफसोस या पछताव हटा देता है। तथा अगर पछताव हटाने से फायदा क्या है, आनंद से क्या है, आनंद ये अफसोस या तो फिर पछताव हटने का फायदा है, आनंद से है प्रबोध, प्रबोध उत्पन्न हो जाता है, जैसे प्रबोध प्रमोदित, हिंदी क्या है प्रमोद, यानी कि प्रबोध कहता है एकदम न्यू। आप लोग जैसे में थक के आया है, कहीं जाके पसीना है, एकदम नहा के सुगंध साबुन लगा के स्नान करके शरीर पोछने के बाद फिर नया कपड़ा पहनने का कैसे लगता है शरीर को, उसको प्रबोध कहता है। ये शरीर न्यू है, पसीना के साथ रहने से कैसे लगता है शरीर, गंदगी के साथ मन नहीं लगता है ना, प्रबोध नहीं है, प्रमुदित नहीं है। प्रमुदित मतलब नहाने के बाद कैसे होता है, फ्रेश होता है, वो फमुदित है। जैसे मैं आपको, आपको बहुत अच्छा लगता है, सोचिए गुरु बंते जी बहुत अच्छा लगता है, तो गुरु बंते जी बहुत प्यारा है, देखने भी बहुत अच्छा लगता है आपको, तो गुरु बंते जी
आपको सुनने में गुरुग्रंथ जी काल आ रहे हैं तो आपको कैसे होता है शरीर को? उसको पमुली कहता है, आप समझ गए पमुली। तो आनंद बंद पूछे कुशल शील का फायदा क्या है? कुशल शील का फायदा है अफसोस पछताव हटा देता है। अफसोस पछताव हटने का, पछताव हटाने का फायदा क्या है? पमुदित उत्पन्न होता है। पमुदित पता है क्या है? ये शरीर एकदम न्यू मजा है, मतलब एक्टिव। इसका पूछा है तथा अगर पमुदित उत्पन्न होने का फायदा क्या है, आनिशंस क्या है? आनंद अमोदित से ही प्रीति उत्पन्न हो जाता है। अमोदित का फायदा क्या है? प्रीति उत्पन्न हो जाता है। प्रीति मालूम है, प्रीति खुशी, उस प्रीति उत्पन्न हो जाता है अमोदित से। तथा अगर प्रीति का फायदा क्या है, प्रीति का आनिशंस क्या है? तथा अगर ने बताया आनंद है, प्रीति का फायदा है शरीर शांत हो जाता है, एकदम शरीर अचंचल होता है, शरीर उसको क्या कहते हैं, हल्का होता है पूरा शरीर। तो शरीर को हल्का होना, अचंचल होना, एकदम शरीर शांत होना, शरीर को ये शांत होना, हल्का होना किस कारण से होता है? प्रीति उत्पन्न होने से। इसके बाद पूछा तथागत शरीर शांत होने होने का, हल्का होने का फायदा क्या है, लाभ क्या है, आनिशंस क्या है? आनंद आनंद पता है भगवान बुद्ध ने बताया, आनंद शरीर का सुख से, शरीर हल्का होने से, शरीर शांत होने से क्या फायदा है? सुख, शारीरिक सुख उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? शारीरिक सुख। शारीरिक सुख। याद रखिए भगवान बुद्ध की नियम है यार, ये तीन सूत्र आप सुनेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। तीन सूत्र ही सुन लीजिए तो शरीर हल्का तथा शांत होने का फायदा क्या है? शरीर का शांत, शरीर शारीरिक सुख उत्पन्न होता है। शारीरिक सुख पत्न मतलब मालूम है पूरा शरीर का सुख। इसके बाद पूजा तथागत शारीरिक सुख का फायदा क्या है, शारीरिक सुख का लाभ क्या है? तो बताए आनंद है, शारीरिक सुख का फायदा है मन में समाधि उत्पन्न हो जाता है। समाधि मतलब पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, तो समाधि उत्पन्न हो जाता है शरीर शरीर में शारीरिक सुख रहने से। तथागत मन शांत होकर समाधि मिलने से, समाधि प्राप्त होने का लाभ क्या है, फायदा क्या है? आनंद समाधि का लाभ है सच्चाई, उसी सच्चाई से ही देख सक देखने का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यानी कि मन समाधि है तो, मन शांत है तो उसी शांत समाधि मन से सच्चाई को मनन करके समझ सकता है। सच्चाई क्या है? सत्य।
चार सत्य, चार आर्य सत्य को अच्छा से मनन करके समझ सकता है, समाधि का फायदा वही है। उसके बाद उन्होंने पूछा, अच्छा से सत्य को ज्ञान से मनन करके समझने का फायदा क्या है? आनंद, सत्य को ज्ञान से मनन करके समझने का फायदा है अवबोध से ही अनासक्त हो जाता है हर एक चीज पे। अवबोध से ही मतलब हम लोग जैसे में कोई बच्चा गलती किया तो हमको, हम लोग को बच्चा अच्छा नहीं लगता है, फिर बाद में बच्चा अच्छा करेगा तो गलती नहीं करेगा तो अच्छा लगता है ना। फिर कोई आदमी हम लोग को डांटेगा तो अच्छा नहीं लगता, फिर बाद में अच्छा बोलेगा तो अच्छा लगता है। वो अवबोध से अनासक्त नहीं है, अवबोध से अनासक्त मतलब हमेशा हमेशा के लिए। सोचिए आग पे अनासक्त हो गया, आग पे अनासक्त हो गया मतलब फिर आग से जितना भी रूप देखें लेकिन उसी रूप पे आसक्त नहीं होता, क्योंकि आग पे अनासक्त हो गया, आसक्त नहीं होता, समझ में आ गया है ना। तो ये अनासक्त अवबोध से ही मतलब एकदम परफेक्ट, परफेक्ट मतलब एकदम एकदम फिक्स परफेक्ट अवबोध से अनासक्त होने होता है किस कारण से? मनन करने से और सच्चाई को उसी प्रकार से ही मनन करने से, ज्ञान से। तो अभी आनंदवंती पूछा, ऐसा है तो अवबोध से ही अनासक्त होने का लाभ क्या है? अवबोध से ही अनासक्त होने का फायदा क्या है बताए आनंद? अवबोध से ही अनासक्त होने का फायदा है, वो अनासक्त हो गया ना, वो चीज से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, रूप शब्द गंध रस स्पर्श इत्यादि जो अनासक्त हो गया ना, वो सारी चीजों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है मन, यानी कि अरहत को प्राप्त हो जाता है आनंद। अब देखिए इसी प्रकार पछताव नहीं होना, पछताव को मिटाने का फायदा, पछताव को मिटाने का लाभ उत्पन्न हो जाता है कुशल सील से, यानी कि सील सुरक्षा करने से। इसके बाद प्रमुदित का फायदा उत्पन्न हो जाता है कैसे? पछताव को हट जाने से। प्रीति नाम का लाभ उत्पन्न हो जाता है, प्रीति नाम का फायदा उत्पन्न हो जाता है प्रमुदित से। शरीर शांत होना, शरीर हल्का होना, तो ये फायदा पा सकता है प्रीति से। शारीरिक सुख नाम का फायदा, शारीरिक सुख नाम का लाभ पा सकता है शरीर शांत होने से। इसके बाद मन शांत होके समाधि में आना पा सकता है किसी से? शारीरिक सुख से। इधर तो समझ में आता है ना आपको, एक चीज समझ में आ गया। देखिए इसके बाद उन्होंने कहा सच्चाई को उसी प्रकार से ही जानने का ज्ञान का फायदा,
उत्पन्न हो जाता है समाधि से, समाधि से ही होता है। ऐसा है तो बिना ध्यान करे कुछ कर पाएगा? ध्यान जरूरी है ना। लेकिन इसमें ये नहीं कहा पहला ध्यान दूसरे ध्यान चाहिए, पहला ध्यान नहीं होगा तब भी कर सकता है समाधि। पहला ध्यान नहीं होता है समाधि, मतलब मन शांत होना, उसको समाधि कहता है। ऐसा है तो सोतापन होने के पहला ध्यान जरूरत नहीं है, लेकिन मन समाधि में आना जरूरत है। इसके बाद अबोध से ही अनासक्त होने का लाभ मिल जाता है, फायदा मिल जाता है सच्चाई को उसी प्रकार से ही जानने से। इसके बाद अबोध से ही, इसके बाद जो अनासक्त हो गया ना, वो चीज हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने के लिए होने का ज्ञान उत्पन्न होता है। होता है कैसे? अवबोध से ही अनासक्त होने से। इसी प्रकार आनंद कुशल शील से अरहत तक जा सकता है। कहाँ शुरू किया? सील से शुरू किया है। सील सुरक्षित है तो अरहत तक जा सकता है बिना डर के। देखिए भगवान बुद्ध की दीवार, सील सुरक्षा के लिए श्रद्धा चाहिए। ये है कीमत थी सूख्य।